हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का सेवन चैप्टर बकस्य प्रतिकारा, बगले का प्रतिकार। बकस्य माने बगले का, प्रतिकारा माने बदला, बगले का बदला। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। अव्यय पद वो पद होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूपांतर नहीं होता, मतलब परिवर्तन नहीं होता, वो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अपि है, तो अपि आप कहीं भी यूज करेंगे, इसको अपि ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। ऐसे ही एव है, तत्र है, अत्र है, ये सारे होते हैं अव्यय पद। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये कस्मिन बने श्रृगाला बकाचा निपसता इस्म। एक वन में एक स्यार और एक बगला रहते थे। कस्मिन बने माने एक वन में, श्रृगाला माने स्यार और बगला रहते थे, इस माने थे। तो एक वन में स्यार और बगला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो माने उन दोनों में मित्रता, मितने दोस्ती, आसीत माने थी, उन दोनों में दोस्ती थी। एक दिन प्रातः श्रृगाला बकम अर्धत। एक दिन प्रातः श्रृगाला माने स्यार ने बगले से कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम करु। कुरु माने करो, श्वः माने कल, कल तुम मया सह माने मेरे साथ भोजन करो, मेरे साथ भोजन खाओ। श्रृगाला से निमंत्रण बका अप्रसन्न अवत। स्यार के निमंत्रण से बगला खुश हुआ। अवत माने हुआ, निमंत्रण माने निमंत्रण से। स्यार के निमंत्रण से बगला प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अग्रिम दिने सा भोजनाय श्रृगालस निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। अग्रिम माने अगले, दिने माने दिन। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रृगाला स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगले को खीर दी। स्थाल्याम माने थाली में। कुटिल स्वभाव वाले श्रृगाला माने सियार। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्याम थाली में बगले को खीर दी। क्षीरोदनम माने खीर। खीर दी। बकम अपतच्चा और बगले से कहा, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधना सहेब खादाबा। मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब अधना माने अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस चचु स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था न अवत। भोजन के समय में बगले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। तो भोजन काले, भोजन काल के समय, मतलब भोजन के समय बकस चचू जो बगला था उसकी चोंच स्थालिता थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्था न अवत, समर्थ नहीं थी। अतः बकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए जो बगला था, यथा बगला केवल खीर देखता रहा। अतः बकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए बगला केवल खीर देखता रहा। श्रृगाला तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत। श्रृगाला तू माने सियार ने तो, सर्वम माने सभी, क्षीरोदनम माने खीर, अभक्षत माने खाली, सियार ने तो सारी खीर खाली। श्रृगालेन वंचिता बका अचिंत्यत। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बका अचिंत्यत बगले ने सोचा, यथा जैसे कि अनेन मया सह इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, व्यवहार किया है। अनेन मया इसने, मया सह माने मेरे साथ, जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि वैसे ही मैं भी तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ बर्ताव करूंगा। तो जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, उसी प्रकार मैं भी इसके साथ बर्ताव करूंगा या व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्व ऐसा सोचकर सह श्रृगालम अवदत। उसने सियार से कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यामि। दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। त्वम अपि तुम भी श्वः माने कल सायं शाम को मेरे साथ, मया सह माने मेरे साथ भोजनम करिष्यामि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रृगाला अप्रसन्न अभवत। बगले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। बकस्य निमंत्रण बगले के निमंत्रण से श्रृगाला प्रसन्न अभवत। सियार प्रसन्न हो गया। यदा श्रृंगाला सायं बकस निवासम भोजनाय अगच्छत। जब सियार शाम को बगले के निवास स्थान पर भोजनाय माने भोजन के लिए गया, तदा बका संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तब बगले ने संकीर्ण मुखे माने छोटे मुख वाले कलश में खीर डाल दी। क्षीरोदनम माने खीर, अयच्छत माने डाल दी। श्रृंगालम च अवत और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे। हम दोनों आवाम माने हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, इस बर्तन में, सह माने साथ ही, अयब माने ही, साथ ही भोजन करते हैं। बका कलशा चचुआ क्षीरोदनम अखादत। तो बका माने बगले ने कलशात कलश से चोंच के द्वारा खीर खाई, परंतु
श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्रवशत, लेकिन त्यार का मुख कलश में नहीं जा सका, अतः बका सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगले ने सारी खीर खा ली। श्रृंगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, स्यार केवल और स्यार चा मने और स्यार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगाला बकम प्रति यादृशं व्यवहारं अकरोत्, बका अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारं अकरोत्। श्रृगाला बकम प्रति माने स्यार ने बगले के प्रति यादृशं माने जैसा व्यवहारं अकरोत् व्यवहार किया, बका अपि बगले ने भी श्रृगालं प्रति स्यार के प्रति तादृशं माने वैसा ही व्यवहारं कृत्वा व्यवहार करके प्रतिकारं अकरोत् बदला ले लिया। तो स्यार ने बगले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगले ने भी स्यार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम। आत्म दुर्व्यवहारस मतलब अपने आत्मा ने अपने दुर्व्यवहारस्य माने बुरे व्यवहार का फल भवति दुखम दुखद ही होता है, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। तस्मात् सद्व्यवर्त्यम मानवे सुखेश्वरा, तस्मात् माने इसीलिए, सुखेश्वरा माने सुख चाहने वाले, मानवे माने मानव को सद्व्यवर्त्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करे। तस्मात् इसीलिए सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।